हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगी कि आप घर पे किस तरीके से फेस वॉश बना सकते हैं। जी हाँ, फेस वॉश तो मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बनाना बताया है, वो था नीम हनी फेस वॉश। जी हाँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जी हाँ, वो फेस वॉश था, वो एक लिक्विड फेस वॉश था, वो ऑल स्किन टाइप था एंड एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए तो वो बेस्ट था। जी हाँ, तो बात करते हैं आज के फेस वॉश की। तो आज का जो फेस वॉश है वो एक पाउडर फेस वॉश है। जी हाँ, बहुत इजी है इस फेस वॉश को बनाना, मैं सबसे पहले बता दूँ। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप ही इसे बना सकती हैं, आपके हस्बैंड भी बना सकते हैं, आपका भाई भी बना सकता है, मतलब बहुत ईजी है इसे बनाना। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे और सिर्फ 2 चीज़ों से मिला करके मैंने इसे बनाया है। तो बात हो गई इसको बनाने के तरीके की, अब बात करते हैं इसकी खूबी की। तो सबसे पहले बात है, ये फेस वॉश है तो ऑब्वियसली आपके फेस को क्लीन तो करेगा ही, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, साथ में आपके डेड सेल को रिमूव करेगा और आपके रंग को भी निखारेगा। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे इसमें ऐसी मैंने कौन सी चीज़ डाली है जिसको यूज़ करने से रंग भी निखरेगा और हमारा मॉइस्चराइज भी करेगी स्किन। तो जी हाँ, वो जो फेस वॉश है, इस फेस वॉश को मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है। मिल्क पाउडर के बहुत सारे हेल्थ एंड स्किन बेनिफिट होते हैं अगर आप अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने इसे मिल्क पाउडर जैसे मैंने बताया है, तो मिल्क पाउडर को अगर आप अपने डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो आपके स्किन पे आप देखेंगे बिल्कुल नेचुरल ग्लो आ जाएगा। साथ में आपके स्किन पे अगर एजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी, मतलब रिंकल है, फाइन लाइन्स हो रहे, तो उसको भी अगर आप यूज करते हैं तो आपकी स्किन जो है बहुत ही हद तक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो अगर आप इसे एज अ फेस वॉश यूज करते हैं, आप समझ गए, तो आप इसे डेली बेसिस अगर यूज करते हो आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी, साथ में आपके फेस पे एक ब्यूटीफुल ग्लो आ जाएगा। रिंकल की प्रॉब्लम हो तो इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो जी हाँ, इतने सारे बेनिफिट होते हैं मिल्क पाउडर के। तो आइए चलिए दोस्तों, देखते हैं हमें अपने बढ़िया से फेस वॉश को बनाना कैसे है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फेस वॉश बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कंटेनर। जी हाँ, मैं यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर यूज कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना है तो आपको एयर टाइट कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जो हम लेंगे वो है मिल्क पाउडर। जी हाँ, आप चाहे जो नॉर्मल मिल्क पाउडर अमूल वगैरह के आते हैं वो ले सकते हैं या बेबी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं बेबी मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ, उसका हम इसका करीब 1 से 2 चम्मच के करीब लेंगे। बस अब हम इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करेंगे, ज़्यादा चीज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि मिल्क पाउडर में ही सब कुछ है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है सैंडलवुड पाउडर। जी हाँ, मैं यहाँ पर ये लाल चंदन यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखा भी दूँ मैं आपको कौन सा यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आल्स गुडनेस का ये सैंडलवुड पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ मिल्क पाउडर, वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये नेस्ले का है, आप देख सकते हैं मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो फिलहाल सैंडलवुड पाउडर को भी हम, जैसे मैंने इसमें 2 चम्मच डाला है तो उसका हम आधा डालेंगे, मतलब 1 चम्मच के करीब हम इसमें चंदन पाउडर ऐड करेंगे। तो दोस्तों, चंदन पाउडर मैंने जैसे आपको बताया 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस हमारा फेस वॉश बन करके तैयार है। बिल्कुल नेचुरल फेस वॉश है, इसे मैंने कोई प्रिजर्वेटिव वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऐड किया था, बेस कुछ भी नहीं, बिल्कुल नेचुरल है। आप इसे यूज़ करके तो देखिए इसका साइन जो इफेक्ट होगा बहुत ही अच्छा होगा, बिल्कुल स्किन को बेबी सॉफ्ट बना देगा। साथ में जैसे मैंने बताया है, अगर आपको रिंकल की प्रॉब्लम है, एजिंग की प्रॉब्लम, तो इस तरीके की सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी और आपका फेस वॉश बनकर के तैयार है। करने का क्या है, आपको लगाने का तरीका मैं आपको बता दूँ। जब भी आप नहाने जाएं, इसको अपनी हथेली पे लेना है, आपको थोड़ा सा मैं क्वांटिटी भी बता दूँ, तो इस तरीके से आपको लेना है, आप जितना चाहे उतना ले सकते। इसे इतना लीजिए, हल्का सा पानी इसमें ऐड करिए और अपने फेस पे सर्कुलर मोशन में इसे हल्के से मसाज कर लीजिए और जैसे आप फेस वॉश करते बिल्कुल वैसे कर लीजिए। जी हाँ, आपका ये नॉर्मल फेस वॉश बन करके बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने बाथरूम में शेल्फ में रख सकते हैं और बिल्कुल नेचुरल, जैसे मैंने बताया, आराम से 2-3 महीने चल सकता है या इससे ज़्यादा भी चल सकता है। मैंने जैसे कहा इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो आराम से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत दीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।